हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन में फूड का ट्रांसफ़र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और खुद किसी और के द्वारा खाया जाता है। मतलब इसमें खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर कार्निवोर्स एंड डीकम्पोजर्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। तो अब हम बात करते हैं फूड चेन के कंपोनेंट्स के बारे में। फूड चेन के कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं एंड डीकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। पहले लेवल पे आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच कैन सिंथेसाइज द फूड यूजिंग लाइट एनर्जी। मतलब ये लाइट एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं और ये फूड जो है मतलब इकोसिस्टम के दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। ये लार्जली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में हम बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं। ये प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं प्रोड्यूसर पर फीड करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर भी फीड करते हैं और एनिमल्स पर भी फीड करते हैं। कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स पर भी फीड कर सकते हैं, ओमनीवोर्स पर भी फीड कर सकते हैं और अदर कार्निवोर्स पर भी फीड कर सकते हैं। कार्निवोर्स वापस से अपन दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं और सेकंड लेवल जो कार्निवोर्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल के कार्निवोर पर फीड करते हैं। तो ये जो होते हैं वो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। अब आता है डीकम्पोजर्स। जब टॉप कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन जो होता है वो डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। ये जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की एनर्जी होती है उसको यूज़ में लेते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। फूड चेन, यहाँ फूड चेन में आप देख सकते हो स्टार्ट ये प्रोड्यूसर्स हैं जो ग्रासेस हैं और उसके बाद में यहाँ पर ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। यहाँ देखिए आप, ये हर एक लेवल जो है, इस हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं और जो एपेक्स हैं जिसको टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं वो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसी टाइप से हर एक लेवल जो है वो क्या कहलाता है, ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, मेनली फूड चेन तीन टाइप की होती है, ग्रेजिंग और प्रेडेटर फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड सेप्रोफिटिक और डिट्राइटस फूड चेन। फर्स्ट फूड चेन आती है ग्रेजिंग और प्रेडेटर फूड चेन। ये फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं और प्रोड्यूसर्स से होते हुए आगे बढ़ती है हर्बीवोर्स जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं और ये ख़त्म होती है कार्निवोर्स पर जो कि सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग होती है ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर्स से और एंड होती है ये फूड चेन कार्निवोर्स पर। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए और कार्निवोर पर ये एंड होती है और इनके मरने के बाद में इनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर्स के थ्रू हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, अब आप देखते हैं यहाँ पर फाइटोप्लैंकटन है। फाइटोप्लैंकटन पर कौन डिपेंड रहते हैं, जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन पर डिपेंड रहती है फिश और फिश पर कौन रहता है, हॉक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये सारे कंज्यूमर्स हैं। मतलब जूप्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को खाते हैं, फिश जूप्लैंकटन को खाती है और हॉक फिश को खाता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासेस हैं, ग्रासेस को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स खाएगी, फॉक्स को वॉल्फ और वॉल्फ को टाइगर। इसी तरीके से ग्रासेस को ग्रास हॉपर खाएंगी, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक और स्नैक को हॉक।
तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये फूड चेन जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, कार्निवोर पर ख़त्म होती है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जैसे ये प्रोड्यूसर हैं, सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और इन प्रोड्यूसर पर डिपेंड कौन है यहाँ पर, ये हर्बीवोर डिपेंड है जो यहाँ पर ग्रास होपर है। तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स को कौन यहाँ पर खा रहा है, हर्बीवोर खा रहा है जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, इसको खाता है माइस। ठीक है, माइस के बाद में माइस किसके द्वारा खाया जाता है, ये स्नैक के द्वारा खाया जाता है, और स्नैक ईगल या हॉक के थ्रू खाया जाता है। और जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है, और जैसे फंजाई है तो फंजाई डिकम्पोजर्स में आती है, ये इनकी बॉडी का ब्रेकडाउन करती है और न्यूट्रिएंट्स को ये वापस जो है वो नेचर को दे देती है। द न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद सन एंड वाटर कॉज द ग्रीन टू ग्रो, जिससे वापस क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ग्रो करते हैं। पैरासिटिक फूड चेन, इस टाइप की जो फूड चेन होती है वो इसमें प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स जो होते हैं वो पैरासिटाइज्ड होते हैं, और ये फूड चेन जो होती है वो इसमें फूड जो होता है वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की और पास होता है। मतलब ये ऐसी फूड चेन होती है जो हर्बीवोर से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है वो लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ होता है विदाउट किलिंग इन केस ऑफ अ प्रेडेटर। इस प्रकार से लार्जर एनिमल जो होते हैं वो होस्ट की तरह जाने जाते हैं, और स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि न्यूट्रिशन को होस्ट से एक्वायर करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। इस टाइप की फूड चेन जो होती है इसमें प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स पैरासिटाइज्ड होते हैं, और इसलिए ये फूड इसमें इस प्रकार की जो फूड चेन होती है इसमें फूड जो होता है वो स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर ट्रांसफर होता है। सेप्रोफिटिक और डिट्राइटस फूड चेन, इस टाइप की फूड चेन जो होती है इसमें मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड मैटर होता है वो डेड मैटर जो है उससे स्टार्ट होती है ये, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके बाद डिट्राइटस फिटिंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे प्रेडेटर्स पर ये ख़त्म होती हैं। ये फूड चेन जो होती है वो जो एंट्री ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि दूसरे सिस्टम में प्रोड्यूस्ड होता है उन पर डिपेंड रहती है। इस फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो होते हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो सेप्रोफिटिक और डिट्राइटस फूड चेन होती है, इसमें हमने बात की थी कि जो सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर होता है प्लांट और एनिमल्स का उन पर फीड करते हैं, और ये मतलब इनकी एनर्जी जो होती है ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं। और इस टाइप की फूड चेन जो होती है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है जो कि जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और ये जो होते हैं वो हर्बीवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, और ग्रेजुअली जो होती है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू ये पास होती है। सेप्रोफिटिक फूड चेन जो होती है इसमें सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जनरली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, और इसमें जो एनर्जी पास होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ पास होती है, और फिर वहाँ से वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड मैटर पर फीड करते हैं उनको एनर्जी जाती है, और फिर उसके बाद में हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाती है। और इस टाइप की फूड चेन जो होती है इसको हम फॉल्स फूड चेन भी कहते हैं। जैसे ये डिट्राइटस फूड चेन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये डेड लीव्स है, अब इन डेड लीव्स को वुड लाउस खाती है, और इसको कौन खाता है, ब्लैक बर्ड खाता है। तो ये डिट्राइटस फूड चेन है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन जो होती है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती हैं, और साथ ही ये फीडिंग जो ऑर्गेनिज्म के बीच में फीडिंग रिलेशनशिप होती है उसको समझने में सहायता करती है, और एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है इसके द्वारा उनको भी समझा जा सकता है, और बायो मैग्निफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसको समझने में भी फूड चेन हेल्प करती है। थैंक यू।